सो इन दिस एसे ए सेमिनल वर्क इन द फील्ड ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो एक सेमिनल वर्क है इन द फील्ड ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में. ओके, फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंड पॉइंट, ही जो एसे है टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोलिटिक्स बाई एलिन शोवाल्टर. दिस वॉज पब्लिश शोवाल्टर. एलिन शोवाल्टर सी कैटेगराइजेज फेमिनिस्ट क्रिटिक इंटू टू डिस्टिंक्ट बट इंटरकनेक्टेड मूड्स. फर्स्ट वन इज वीमेन एज रीडर, आप इसे फेमिनिस्ट क्रिटिक मूड भी बोल सकते हैं. एंड सेकेंड वन इज वीमेन एज राइटर और गायनो क्रिटिसिज्म. गायनो क्रिटिसिज्म एज आई टोल्ड यू अर्लियर, किस टर्म को क्वाइन आउट किया है एलिन शोवाल्टर ने? ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में बताया है, उसके बारे में बात करिए. फर्स्ट वन इज जो फर्स्ट फेज है दैट इज फेमिनाइन फेज, सेकेंड वन इज फेमिनिस्ट फेज एंड थर्ड वन इज फीमेल फेज. थ्री फेजेस के बारे में बात करिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है. सो नो डाउट. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रज्ञा बी एन एम इंग्लिश लिटरेचर. सो एज इन दिस वीडियो टुडे आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक एलिन शोवाल्टर्स ए लिटरेचर ऑफ द ओन टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोलिटिक्स. सो आज के इस वीडियो में हम इस एसे को स्टडी करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने एलिन शोवाल्टर को इंट्रोड्यूस किया था. यू कैन सी हियर ऑन व्हाइट बोर्ड इन यूनिट फर्स्ट प्रोज, सेकेंड जो टॉपिक आपका दिया गया है आपके सिलेबस में, डेट इज एलिन शोवाल्टर. एलिन शोवाल्टर ए लिटरेचर ऑफ देयर ओन टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोलिटिक्स. ओके, सो इस एसे को आज के इस वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. सो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं. लिसन केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड इजली. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ये एसे है. ओके, एंड लास्ट वीडियोज में हमने अभी तक इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर दिया है, फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट राइटर दिए गए हैं महात्मा गांधी, उनको हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, उनका हिंद स्वराज. और एलिन शोवाल्टर को भी हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर लिया है. वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, या आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में सर्च करना है, या आप चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो. ओके, एंड दिस इज़ फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी. एज यू ऑल नो, सभी के लिए कॉमन सिलेबस है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है. चाहे आप वीवीएस, वीयू, एमजी, केवीपी, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, जेसीआरएम, पीएससी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए कॉमन सिलेबस है. या अगर आप इंडिया के किसी अदर स्टेट से वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपके सिलेबस में ये ऐसे लगा हुआ है एलिन शोवाल्टर का लिटरेचर ऑफ देयर ओन टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स. सो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए. लेट्स कंटिन्यू टुडेस वीडियो. ओके, सो आज हमें स्टडी करना है एलिन शोवाल्टर का ऐसे लिटरेचर ऑफ देयर ओन टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स. ओके, सो सबसे पहले हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. सो ये जो एसे है टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स. ओके, सो इन दिस एसे ए सेमिनल वर्क इन द फील्ड ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो एक सेमिनल वर्क है इन द फील्ड ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में. ओके, फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंड पॉइंट, ये जो एसे है टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स बाई एलिन शोवाल्टर. दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1979. ओके, बट ओरिजिनली प्रेजेंटेड एज ए लेक्चर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन 1979 में पब्लिश हुआ था, बट ये ओरिजिनली प्रेजेंट किया गया था एज ए लेक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में. ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में ये 1978 में पहले ये एज ए लेक्चर प्रेजेंट हुआ था, एलिन शोवाल्टर ने प्रेजेंट किया था इसे, एंड इसके बाद ये 1979 में पब्लिश हुआ था. ओके, एंड दिस एसे इन्फ्लुएंस द स्टडी ऑफ लिटरेचर थ्रू ए फेमिनिस्ट लेंस. सो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एसे है, वर्क है. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज के थीम्स एंड कंट्रीब्यूशंस. और इससे एसे में, इन दिस एसे टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, कौन कौन से इसमें थीम्स हैं, क्या इसमें कंट्रीब्यूशंस दिया है एलिन शोवाल्टर ने, उसको भी हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग द स्टेज, द स्टेटस ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन 1970s. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग दिस टाइम दैट फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिगेन टू इमर्ज एज ए पावरफुल फोर्स चैलेंजिंग मेल डोमिनेटेड लिटरेरी कैनन. तो यहाँ पे जो टाइम दिया गया है 1970s, ये जो टाइम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ चेंज है ये. 1970s में किस तरह के सिचुएशंस थी, किस तरह के स्टेट थे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में, उसको शोवाल्टर ने इस ऐसे में मेंशन किया है. ये पहला पॉइंट है. ओके, यहाँ पे राइट किया मैंने ना, ड्यूरिंग दिस टाइम दैट फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिगेन टू इमर्ज एज ए पावरफुल फोर्स चैलेंजिंग मेल डोमिनेटेड लिटरेरी कैनन. इस टाइमिंग में जो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म था वो इमर्ज होना स्टार्ट हुआ. ओके, एज ए पावरफुल फोर्स चैलेंजिंग मेल डोमिनेटेड लिटरेरी कैनन. ओके, एंड सी एड्रेसेस द प्रिवेलिंग स्टेट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन 1970s में क्या फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की सिचुएशन थी, उसको इन्होंने एड्रेस किया है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द सस्पिशन थ्योरी. द सस्पिशन थ्योरी अ बैरियर टू फेमिनिस्ट क्रिटिक.
द सस्पिशन थ्योरी ए बैरियर टू फेमिनिस्ट क्रिटिक, दिस इज नेक्स्ट पॉइंट इन दिस एसे. दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स जिसको फेस करते थे उस टाइम में फेमिनिस्ट क्रिटिक, दैट वॉज द सस्पिशन थ्योरी. ओके, एंड लिटरेरी थ्योरी ये डेवलप हुआ ओवर बाई ईयर्स और उस टाइमिंग में पैट्रियार्कल पर्सपेक्टिव से राइट किए जा रहे थे. एंड नेक्स्ट पॉइंट इन दिस एसे कैटेगराइजिंग फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, वीमेन एज रीडर एंड वीमेन एज राइटर. ओके, सो द एलिन शोवाल्टर, एलिन शोवाल्टर सी कैटेगराइजेज फेमिनिस्ट क्रिटिक इंटू टू डिस्टिंक्ट बट इंटरकनेक्टेड मूड्स. फर्स्ट वन इज वीमेन एज रीडर, आप इसे फेमिनिस्ट क्रिटिक मूड भी बोल सकते हैं. एंड सेकेंड वन इज वीमेन एज राइटर और गायनो क्रिटिसिज्म. गायनो क्रिटिसिज्म एज आई टोल्ड यू अर्लियर किस टर्म को क्वाइन आउट किया है एलिन शोवाल्टर ने. सो इस एसे में इन्होंने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को टू डिस्टिंक्ट मूड में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट वन इज वीमेन एज रीडर, यहाँ पे राइट किया ना मैंने वीमेन एज रीडर. एंड सेकेंड वन इज वीमेन एज राइटर. सो फर्स्ट वन दिस वन, फर्स्ट वन वीमेन एज रीडर. वीमेन एज रीडर फेमिनिस्ट क्रिटिक मूड भी इसको आप बोल सकते हैं. दैट इज फोकस ऑन एनालाइजिंग लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाई मैन. ओके, एंड वीमेन एज राइटर क्या था जिसको गायनो क्रिटिसिज्म भी कंसिडर किया गया है. दिस सेंटर्स ऑन वीमेन एज क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट. दैट मीन्स कि जो फर्स्ट वाला कैटेगरी है वीमेन एज रीडर या फेमिनिस्ट क्रिटिक मूड, इसमें जो लिटरेचर था उस वो मेल डोमिनेटेड था. मीन्स वीमेन क्या थी वो एज रीडर की तरह से थी. एंड सेकेंड में क्या था, सेकेंड वन वीमेन एज राइटर उसको गायनो क्रिटिसिज्म भी बोला गया है. दिस सेंटर्स ऑन वीमेन एज क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, इसमें वीमेन एज क्रिएटर्स की तरह से थी. मीन्स वीमेन खुद क्रिएट करती थी लिटरेचर को. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज गायनो क्रिटिसिज्म बियॉन्ड द मेल ऑब्सेस्ड क्रिटिक. ओके, गायनो क्रिटिसिज्म बियॉन्ड मेल ऑब्सेस्ड क्रिटिक. इन कंट्रास्ट टू मेल सेंट्रिक फोकस ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक, सी इंट्रोड्यूसेस गायनो क्रिटिसिज्म एज ए लिबरेटिव अल्टरनेटिव. एंड सब प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट स्कॉलर्स आर, और जो इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं देयर नेम्स आर कैरोल स्मिथ रोजनबर्ग्स, द फीमेल वर्ल्ड ऑफ लव एंड रिचुअल. इनका वर्क है कैरोल स्मिथ रोजनबर्ग्स का. एंड सेकेंड वन इज नैन्सी कॉट्स द बॉन्ड्स ऑफ वीमेनहुड वीमेन्स स्पेयर इन न्यू इंग्लैंड. ये इनका वर्क है नैन्सी कॉट्स का. ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं. एंड इन दिस एसे एलिन शोवाल्टर ने थ्री फेजेस ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में बताया है, उसके बारे में बात करी है. फर्स्ट वन ही जो फर्स्ट फेज है दैट इज फेमिनाइन फेज, सेकेंड वन इज फेमिनिस्ट फेज एंड थर्ड वन इज फीमेल फेज. थ्री फेजेस के बारे में बात करी है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है. सो नो डाउन इट. एंड सो वी कैन से इन कंक्लूजन वी कैन से शॉर्ट में, सो ऑल्टर्स एसे टुवर्ड्स ए फेमिनिस्ट पोएटिक्स, ये जो एसे है टुवर्ड्स ए फेमिनिस्ट पोएटिक्स, दिस ऑफर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द चैलेंजेस एंड इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. सो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है और फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इवोल्यूशन के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में इसमें बात करी गई है. एंड सो आज के इस वीडियो में हमने एलिन शोवाल्टर का जो वर्क है ए लिटरेचर ऑफ देयर ओन टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स, इसको हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में, आप स्टडी करिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे, पोइट्री तोरू दत्त को स्टार्टिंग करेंगे. सो मेक श्योर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, आप कोई वीडियो मिस न करें. लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स ऑल्सो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. गॉड ब्लेस यू.